शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर ने फिर एक बार अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर साबित किया है। इस विद्यालय को 12वीं बोर्ड में 3 और 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने जिले के प्रावीण ने टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने इसे लेकर शिक्षण प्रबंधन सहित टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराने वाली छात्राओं एवं शाला विकास समिति से चर्चा की और जाना कि इस स्कूल में मिलने वाली शिक्षा किस स्तर की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और हमेशा से वैशाली नगर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर इस आंकड़े में अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ सिर्फ कन्याएं पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, और इन बच्चियों ने प्रदेश लेवल पे तो नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी रह गई होगी जो प्रदेश लेवल की बात ये नहीं कर पा रहे, लेकिन जिले स्तर पे जिले के टॉप 10 लिस्ट में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ और मैं हूँ संतोष शर्मा। आज हम बात करेंगे इस स्कूल की प्राचार्या से, उन बच्चों से, कि उनको किस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई है, किस तरह से उन्होंने अपना नाम जिले के टॉप 10 के लिस्ट में दर्ज कराया है। आइए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं शाला की प्राचार्या से कि किस तरह से इस रिजल्ट को देखती है वो, कितनी खुश है, और बच्चों ने किस तरह की मेहनत की है, उनके टीचरों ने किस तरह की मेहनत की है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल मैडम से। मैडम, सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम, एक बार फिर एक और परचम इस स्कूल का, जिले की टॉप 10 की लिस्ट में आपके यहाँ की छात्राओं ने अपना नाम दर्ज कराया है, कैसा रहा इनका सफ़र जिन्होंने दर्ज कराया है नाम? आपकी जो शिक्षक है, जो आपकी टीम है, किस तरह से मेहनत करती हैं बच्चों के कि बच्चे आज किस सफलता की सीढ़ी को छू रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी शाला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की जो भी सफलता है, यहाँ के जो भी गतिविधियाँ हैं, चाहे शैक्षणिक हो चाहे तमाम और अन्य गतिविधियाँ, उसके पीछे केवल मेरा ही नहीं, मेरा केवल मार्गदर्शन रहता है, बाकी पूरा टीम वर्क होता है जिसमें पूरी शिक्षिकाएं, शिक्षक जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनसे हमको उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है। बहुत ही कड़े अनुशासन में जब सत्र प्रारंभ होते ही जिस तरह की हम शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं, उस वक्त भी जो जो जिस तरह की बातें बताई जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लास जो लिया जाता है, टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन पेपर जो मुहैया कराए जाते हैं, ये सब हम शुरुआत से ही उनके पीछे लगते हैं और बच्चे उनको अक्षरशः उसका पालन भी करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जिला जो ने जो निकाला है टॉप 10 की सूची, उसमें हमारी शाला की कक्षा 10वीं की एक छात्रा ट्विंकल शर्मा, उसने 95.8% प्राप्त किया है और 6वां पोजीशन रहा है। 12वीं की 3 छात्राएं हैं, कल्पना 93.6%, श्रेया चौहान 93.4% और पूजा, ये 3 बच्चियां हैं जिन्होंने टॉप 10 की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। तो मैं इस पूरे का श्रेय जो है अपने तमाम स्टाफ को देती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। हमारे यहाँ दर्ज कक्षा 10वीं में 114 बच्चे थे जिसमें से 100 बच्चे उत्तीर्ण हुए और टोटल इसका 10वीं का जो रिज़ल्ट है वो रहा 88%। 12वीं में 167 बच्चे थे जिसमें से 156 बच्चे पास हुए और 156 पास हुए और उसमें कहते हैं जो टोटल जो इनका परसेंटेज था वो था 94.5% रिजल्ट रहा हमारा 12वीं का। तो हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से जो लगातार ऊपर की ओर ही ग्राफ जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले सालों में हमारी शाला 100% रिजल्ट देगी, 12वीं का भी और 10वीं का। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की शिक्षिका से कि किस तरह से 12वीं की छात्राओं ने अपना परचम लहराया है दुर्ग जिला के टॉप 10 की लिस्ट में। मैडम, स्वागत है आपका ग्रैंड एशियन। धन्यवाद मैडम। बताएंगे किस तरह से आप पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चों का किस तरह से सहयोग मिलता है आपको? बच्चे तो मेधावी ही है,
और हमारे स्कूल में उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए उन लोगों को लाइब्रेरी की भी बहुत सुविधा दी गई है जहाँ से उन लोगों को पुस्तकें प्राप्त होती हैं। तो सेशन के शुरू से ही उन लोग को पूरा ध्यान दिया जाता है पढ़ाई में, और जब तिमाही त्रैमासिक परीक्षा होती है उस परीक्षा के दरमियान हमको पता चलता है कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, और उसमें जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको और अच्छा करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके हर डाउट्स को क्लियर किया जाता है। और बच्चे भी घर में जाके जब पढ़ाई करते हैं टाइम टेबल के अनुसार, और जो भी उनको डाउट होता है वो यहाँ आकर पूछते हैं, तो किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी विषय का उनको तुरंत उसको दूर किया जाता है। और बच्चे भी बहुत ध्यान देते हैं पढ़ाई में, और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये बच्चे अच्छा करेंगे, और हमारी उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे साथ एक मैडम और मौजूद हैं जो 10वीं कक्षा की शिक्षिका है, उनसे भी हम बात करेंगे कि 10वीं कक्षा के टॉप 10 के लिस्ट में भी बच्चों ने बाजी मारी है यहाँ के, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये हो पाया। मैडम स्वागत है आपका, आपका नाम बताएंगे? धाबी मैडम हूँ मैं जी, पढ़ाती हूँ लोगों को बच्चों जी। मैडम बताएंगे 10वीं से भी आप 10वीं की शिक्षिका हैं और 10वीं क्लास में भी बच्चियों ने बाजी मारी है, सबसे पहले तो कैसा फील करती हैं आप ये बताएं, और उसके बाद ये बताइए कि बच्चे किस तरह से सहयोग देते हैं, जितना आप पढ़ाते हैं उतना वो गेन करते हैं, और उन वो कैसा रिटर्न देते हैं आपको? एक्चुअली शुरुआत से मेरा प्रयास था कि मेरे मैथ्स में बच्चे टॉप करें करके, बहुत इच्छा थी मेरी मेरे लाइफ में कम से कम बच्चे, तो इच्छा मेरी आज पूरी हो गई है। तो 28 साल पढ़ा रही हूँ, 28 साल से तो इच्छा मेरी पूरी हो गई है यार। एक्चुअली मैथ्स को लेकर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज भी रहते हैं, और टेंथ में क्या सब विषय रहते हैं जो उनको पसंद नहीं भी वो विषय रहते हैं, हिंदी चाहते नहीं पढ़ना उन लोग, वो भी उनको पढ़ाना पड़ता है, तो सारे विषयों को एक करके हम लोगों को पूरा गाइडेंस देते हैं। और रहा सवाल मैडम का, हमारी प्राचार्य का, वो लगातार प्रयास में रहती है कि विषय छूटे ना कोई भी, या कुछ बच्चों को डाउट हो तो फ़ोन पर संपर्क करते हैं हमसे, ऐसा नहीं है जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज पूछ लेते हैं, तो वो पूछ लेते हैं मॉर्निंग में कि मैडम ये प्रश्न नहीं बन रहा हम कैसे करें, तो हम लगातार टच में रहते हैं, मैडम भी टच में रहती है हमारे। हमारे साथ कुछ शिक्षिकाएं और हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज जब बच्चे सफल हुए हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है। मैं सिन्हा मैडम हूँ, बैस लेक्चर क्लास 12 में पढ़ाती हूँ, तो बच्चों से तो बहुत उम्मीद थी और वो लोग उम्मीद पे खड़े भी उतरे हैं, खासकर श्रेया और पूजा बहुत अच्छा रिजल्ट लाए हैं उन्होंने, और जिला स्तर पर उन्होंने 7वां और 9वां रैंक पाया है, और उनके अलावा जो बाकी बच्चियाँ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है मैथ्स में। कोरोना काल में जितना हो सका इनको गाइडेंस दिया गया, और इन लोग भी अपनी तरफ से घर में बहुत तैयारी किए हैं, और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो हम लोग का सहयोग पूरा रहा है, और बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए हैं जिसका फल उनको मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, उनका प्रयास सराहनीय है, हमने तो प्रयास किया था कि बच्चे स्टेट तक आए और उन लोगों ने करके दिखाया और ज़िले में बहुत अच्छा अंक अर्जित किया है, तो ये लगा कि हम यदि मेहनत करें तो बच्चों को सुधार लाया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। मैं नंदिता प्रकाश 10th और 12th की अंग्रेजी की कक्षाएं लेती हूँ। पहले तो मैं बच्चों को, अपने पूरे स्टाफ को, और विशेषतः हमारी प्राचार्य मैडम को बहुत ज़्यादा इसके लिए बधाई देती हूँ। और इसके पीछे एक कंसेप्ट है इस स्कूल का, 24/7 बच्चे भी, टीचर भी और प्रिंसिपल मैडम भी, हम सभी 24/7 ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जाके एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एंड वी डू थिंग्स इन कनेक्टिविटी, तो पूरे समय एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, तब जाके हमको ये रिज़ल्ट मिला है। और चूक कहीं भी नहीं हुई है, ये ठीक वैसा ही है कि स्टेयर्स हैं हमारे सामने, अभी हम फर्स्ट स्टेयर पे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टेट लेवल पे भी अचीव करेंगे इस स्थान को। ये हमारे सामने जो 3 छात्राएं हैं ये हैं कक्षा 10वीं की छात्राएं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अंक अर्जित करके अपना नाम दुर्ग जिले के टॉप 10 के लिस्ट में दर्ज कराया है। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इनकी तैयारी थी और किनका किनका सपोर्ट मिला है। आपका नाम बताएंगे? सर प्रियंका शर्मा, कक्षा 10वीं। ट्विंकल, आप बताएंगे कि जो 10वीं के एग्ज़ाम में आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिले के टॉप 10 के लिस्ट में आप आएंगे, किस तरह से तैयारियां की हैं, क्या टारगेट था आपका? सर मेरा टारगेट तो स्टेट लेवल में मैरिट
तारीफ में आने का था, पर इतना कि कर पाई मैं अपने स्कूल के लिए, अपने घर वालों के लिए, प्रिंसिपल मैम के लिए, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इसकी। और मुझे सभी टीचर्स का, खासकर प्रिंसिपल मैम का और घर में भी सभी का काफ़ी पूरा भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। अगला बोर्ड 12वीं का होगा, क्या लक्ष्य रख रही? सर 12वीं में तो मैं स्टेट लेवल में आने का भरपूर कोशिश करूंगी। दो बच्चियां और हैं जिन्होंने इस स्कूल में सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं, लगभग 90% के आसपास। हालांकि इनका नाम दुर्ग जिले के टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी 90% से ऊपर अंक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनसे भी बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसी थी। मेरा नाम मैं शास्त्री चंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने 10वीं में 92% प्राप्त किए हैं और मेरी तैयारी तो कुछ और ही थी, पर किसी चीज़ के कारण कम आने। अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉप 10 की लिस्ट में आऊँ। गंजन बंजारे शास्त्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिनगर से। मैंने 10वीं में 90% प्राप्त किया है। मैं चाहती थी कि थोड़ा और हासिल कर सकूँ, लेकिन उतना नहीं जा पाई, लेकिन इससे भी मुझे बहुत खुशी। आगे लक्ष्य क्या रख रही हूँ? आगे मैं यही रखूंगी कि मैं स्टेट लेवल में अपना नाम रखूँ। बात करने जा रहे हैं 12वीं की छात्राओं से जिन्होंने अपना नाम दुर्ग जिले के टॉप 10 लिस्ट में दर्ज कराया है। बेटा आपका नाम बताएंगे? कल्पना सबरी। कल्पना, किस तरह से आप इस स्कूल में पहुंची? हम सुने हैं कि आप बेमेतरा से हैं और इस स्कूल में कैसे आ पाई, पहले बताइए। जी हाँ, मैं बेमेतरा से हूँ सर, और मैं पहले इस स्कूल का नाम सुन चुकी थी कि यहाँ अच्छा से पढ़ाई होता है, यहाँ के जो टीचर्स हैं उन लोगों का अच्छा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और उसी का परिणाम आज मेरे रिजल्ट में दिख रहा है। मैं दुर्ग जिले में चौथा स्थान पर। क्या बात है। देखिए, बेमेतरा से ये लड़की आई है सिर्फ इस स्कूल का नाम सुन करके कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, और इनका कहना है कि जो इन्होंने सुना था वो साफ सीधा सच पाया है, और इन यहाँ की पढ़ाई का ही असर है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो प्राचार्य हैं, इनकी जो शिक्षा देने की जो शैली है, आज उसी का कमाल है। और ये भी क्रेडिट उनको दे रही हैं कि जो जिस सिस्टम से उन्होंने पढ़ाया है उसी की बदौलत आज इन्होंने चौथा स्थान जिले में हासिल किया है। आप यहाँ जब पढ़ती हैं, यहाँ रहती हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप अपने घर से दूर हैं? नहीं, इसका एहसास ही होने नहीं देते सर मैम। चलिए, इनका कहना साफ है कि एक दूसरा घर इनको मिल गया है इस स्कूल के रूप में। हमारे साथ कुछ छात्राएं और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? पूजा साहू नाम है मेरा। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर की कक्षा 12 गणित की छात्रा हूँ। मैंने 93.4 अंक प्राप्त किए और दुर्ग जिले में चौथा स्थान। चौथा स्थान प्राप्त किए हैं, क्या कभी आप सोचे थे कि दुर्ग जिले के टॉप 10 की लिस्ट में आपका नाम आएगा? सर मैं स्टेट लेवल में अपना नाम सोची थी, बट थोड़ी सी मेरे से चूक हो गई, लेकिन मैं अपना भरसक प्रयास कर रही हूँ कि आगे मैं अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकूँ। अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने सभी रिस्पेक्ट भाई बहन सभी का नाम रोशन कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ अपने जीवन में। आपका नाम बताओ? श्रेया चौहान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर, कक्षा 12 गणित की छात्रा। आपका क्या रैंक? 6th रैंक रहा, 93%। कैसी तैयारी थी, क्या सोच था, क्या लक्ष्य था, बताइए। सर हम कोशिश तो पूरी थी कि स्टेट लेवल में आ सके, लेकिन कहीं तैयारी में हमारी चूक होने की वजह से जिले में 6th रैंक पर आ सके, पर आगे कोशिश रहेगी कि और अच्छे रैंक में आ सके। सर हमारे मेरी सफलता का श्रेय मैं विशेषकर प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी। सभी टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, और स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लासेस के द्वारा, टेस्ट सीरीज के द्वारा हमारी तैयारी कराई गई, और घर में भी उचित माहौल मिला मुझे पढ़ने के लिए, और इसका परिणाम शाला का जो विकास होता है, जो विकास उसमें विकास समिति के सदस्य और अध्यक्षों का बहुत बड़ा रोल होता है। शाला में क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या कमियां हैं, उसको भी देखना इनका काम होता है। तो शाला में अगर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ के टीचर्स, यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा शिक्षा बच्चों को दे सकता है। बात करते हैं शाला विकास समिति के अध्यक्ष से, निवेश जी हैं हमारे साथ में। निवेश जी बताएंगे कि इस शाला विकास समिति के, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या कुछ मांग रही इस बार
कि आज बच्चों ने इतना अच्छा किया? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर सर आइज़क न्यूटन का वो सिद्धांत काम करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बच्चे परिश्रम करते हैं अपने शिक्षा के प्रति और उसी के अनुसार उनको फल मिलता है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी का वो संदेश मुझे याद आता है कि कर्तव्य संपादन के माध्यम से ही सब अधिकार प्राप्त होते हैं। ये बच्चे अपनी शिक्षा के और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे, इसीलिए इनको ये परिणाम प्राप्त हुआ। उसके अलावा शाला की शिक्षिकाओं के अथक प्रयास और आदरणीय प्राचार्य महोदया बघेल मैडम का मार्गदर्शन इन बच्चों को आज ही नहीं बल्कि कई पिछले कई सालों से इन बच्चों को बहुत आगे ले जा रहा है और निरंतर ये बच्चे आगे अग्रसर हो रहे हैं। और मैं इन बच्चों को आज बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है इस शाला के लिए कि बच्चों ने सिर्फ शाला का ही नहीं बल्कि दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। और मैं इनको और इनके पालक शिक्षक शिक्षिकाओं और आदरणीय प्राचार्य महोदय को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारे साथ गोयल जी मौजूद हैं जो शाला विकास समिति के सदस्य हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि शाला विकास समिति किस तरह से शाला को आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है, बताएंगे गोयल जी। ये स्कूल एक आदर्श स्कूल में स्थापित है आज से नहीं बहुत लंबे समय से, और यहाँ पर बच्चे दूर दूर के बच्चे आते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ की शिक्षक शिक्षिकाएँ प्राचार्य बघेल मैडम, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये एक दिन का नहीं, एक लंबे समय से जो है ये चल रहा है और जिसका आज फल ये हम लोगों को मिला है। और इन्होंने न केवल हमारा बल्कि पूरे क्षेत्र का, अपने माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाओं का भी मान बढ़ाया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और भी आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि ये कन्या विद्यालय है, कन्याएं पढ़ती हैं यहाँ पे, और कन्याओं ने जो आज कर दिखाया है, बेटियों ने जो कर दिखाया है, क्या किस रूप से देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, देखिए जो शासकीय स्कूलों का आज की डेट में जो शासकीय स्कूल उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है देखा जाए तो समाज में, और इनको बहुत ही निम्न स्तर से देखा जाता है कि शासकीय स्कूल में क्या पढ़ाई होगी, क्या हो रहा है, यहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में हम अगर देखें, जैसे वैशाली नगर कन्याशाला है हमारा, अगर हम यहाँ देखें तो ये जस्ट विपरीत है। हमारे यहाँ की कन्याएँ हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में आ गए हैं। और ये सब क्यों हो पाया इतना अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ की प्राचार्य संगीता बघेल मैडम और यहाँ का सारे स्टाफ, सारे टीचर्स जो हैं, सबका कोऑर्डिनेशन और हमारे स्टूडेंट्स इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है एक दूसरे के साथ में, और ये सफलता जो मिली है उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही मिल पाई है। दोस्तों आपने सुना शाला विकास समिति की जो महिला सदस्य है उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होती है। लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिले की जो प्रावीण्य सूची में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर ने जो अपना नाम बनाया है, ये कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर पर्दा डालता है, इसे झूठ साबित करता है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। आज समय बदल चुका है, माहौल बदल चुका है और पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। हर शासकीय स्कूल में बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाई अभी हो रही है और शासकीय स्कूल के बच्चे भी परचम लहरा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो दुर्ग जिला शिक्षा विभाग को भी जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जिस तरह से शिक्षा के मामले में कार्य कर रही है, बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रही है, ऐसा हाल हमको किसी भी प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना क्रेडिट इस स्कूल की प्राचार्य को जाता है, जितना क्रेडिट दुर्ग जिला शिक्षा विभाग को जाता है, उससे दोगुना, उससे चौगुना ये क्रेडिट जाना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को। शासकीय स्कूलों की कोई भी समस्या सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संज्ञान में जाती है, और आज किसी भी स्कूल में, पूरे प्रदेश के किसी भी शासकीय स्कूलों में कोई किसी प्रकार की कमी दिखने को नहीं मिली है। यही कारण है कि
आज शासकीय स्कूल हमारे जो प्रदेश के शासकीय स्कूल हैं वो निरंतर इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं जहां आज प्राइवेट स्कूल देख नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता। दोस्तों बहुत ही गर्व की बात है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्राओं ने अपना नाम ग्रामीण सूची में दर्ज कराया है। हम आगे एक और स्कूल में जाएंगे और वहाँ की भी शिक्षण प्रणाली के बारे में जानकारी लेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।